Swayam Prabha, Digital India, Educated India. विद्यार्थियों में डॉक्टर मनीषा गोस्वामी सहायक प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएल यूनिवर्सिटी मथुरा आपका विपणन प्रबंधन के आज के पाठ्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्याख्यान संख्या नंबर 16, जिसका शीर्षक है व्यक्तिगत बिक्री आइए जानते हैं आज के अध्याय का उद्देश्य क्या है एक बार हम ये जान लेते हैं जैसे कि आज हम शुरुआत में चर्चा करेंगे व्यक्तिगत बेचना किसे कहते हैं व्यक्तिगत बिक्री किसे कहते हैं व्यक्तिगत बिक्री के कार्य व्यक्तिगत बिक्री का महत्व इसे जानने की कोशिश करेंगे एक अच्छे विक्रेता के क्या लक्षण हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे विक्रय स्थितियों के प्रकार के बारे में हम जानेंगे विक्रेता के प्रकार क्या क्या होते हैं बेचने की प्रक्रिया क्या है बेचने के सिद्धांत क्या है इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे आइए शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत बिक्री से व्यक्तिगत बिक्री का क्या अर्थ है इसे जानने की कोशिश करते हैं एक व्यक्ति जो विक्रेता है ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करता है एक प्रकार का प्रचार पद्धति है जिसके द्वारा विक्रेता बिक्री करने के प्रयास में अपने कुशल अपने कौशल और क्षमताओं का उपयोग करता है यानी कि हमें व्यक्तिगत बिक्री के दौरान क्या होता है व्यक्तिगत बिक्री के दौरान जो हमारा सेलर है जो उपभोक्ता के नज़दीक आता है हमारा जो विक्रेता हमारा जो विक्रेता है या फिर जो हमारा सेलर है जो हमारी सेल्स फोर्स है वो उपभोक्ताओं के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके हमारे उत्पाद के बारे में उन्हें बताता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है खरीदने के लिए उनके अंदर हमारे उपभोक्ता के मन में ये ख्याल डेवलप करने की कोई हमारे उपभोक्ता के मन में ये उत्पाद खरीदने के लिए इच्छा पैदा करने की कोशिश करता है विलियम स्टैंटन वॉकर के अनुसार हर व्यक्तिगत बिक्री व्यक्तिगत व्यक्तिगत है किसी को कुछ खरीदने के लिए राज़ी करने की सूचना का संचार है यानी कि व्यक्तिगत जब हम व्यक्तिगत बिक्री कर रहे हैं तो हम अपने उपभोक्ता से डायरेक्ट कांटेक्ट में हम अपने उपभोक्ता से डायरेक्ट बात कर रहे हैं और उस बात उसके बातों के दौरान उससे बात करते समय उसे विचार विमर्श करते समय हम कहीं ना कहीं अपने उपभोक्ता को अपने सामान खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो उपभोक्ता है हमारे उत्पाद की ओर आकर्षित हो वो हमारे उत्पाद की गुणवत्ता को समझे और वो उसे खरीदने के लिए राजी हो जाए दूसरे जो हमारे ऑथर हैं माहोनी और स्लोन के अनुसार क्या कहा उन, उनके अनुसार व्यक्तिगत बिक्री क्या है इसे समझते हैं व्यक्तिगत विक्रय व्यक्तिगत संचार है एक विक्रेता और एक संभावित ग्राहक या ग्राहकों के समूह के बीच यानी कि हम इसके दौरान ये कोशिश करते हैं कि अपने उपभोक्ताओं को या फिर हमारे जो विक्रेता हैं या या जो हमारा क्रेता है उसके मन में हम अपने उत्पाद को लेकर के एक अच्छा विचार डेवलप करने की कोशिश करते हैं हम कोशिश करते हैं कि उसके मन में हमारे उत्पाद को लेकर के एक अच्छी धारणा पैदा हो और अगर अच्छी धारणा पैदा हो जाती है तो बहुत जाहिर सी बात है वो हमारा सामान खरीदने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा और अगर आज तैयार ना हो तो कल को उसके मन में यह धारणा रहेगी कि हाँ आज नहीं तो कल जब मुझे सामान की या उत्पाद की जरूरत पड़ेगी तो मैं इस कंपनी का ही यह सामान खरीदूंगा आइए जानते हैं व्यक्तिगत बिक्री के क्या कार्य है इसके क्या फंक्शन है इनसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं और यह एडवर्टाइजिंग जो हमारा एक तरीका रहता है अपने आप को प्रचारित प्रसारित करने का उसकी अपेक्षा पर्सनल व्यक्तिगत सेलिंग या फिर पर्सनल सेलिंग या फिर व्यक्तिगत बिक्री का क्या फ़ायदे हैं यह प्रचार मिश्रण का एक हिस्सा है यानी कि प्रचार मिश्रण जो हम प्रमोशन मिक्स की बात कर रहे थे उसमें एक एडवर्टाइजिंग एक तरीका है पर्सनल सेलिंग भी उसका एक हिस्सा है डायरेक्ट मार्केटिंग एक हिस्सा है तो उसमें से व्यक्तिगत बिक्री भी ये पूरे के पूरे जो हमारा प्रमोशनल मिक्स है उसका एक अहम हिस्सा है यह टू वे कम्युनिकेशन है व्यक्तिगत बिक्री के दौरान हमारा जो सेल्स फोर्स है या जो हमारे विक्रेता है जिनको हमने तैयार किया है हमारा उपभोक्ताओं तक हमारे सामान को पहुंचाने के लिए या फिर उनको राजी करने के लिए ये टू वे कम्युनिकेशन है हमारा जो सेल्स फोर्स है या व्यक्तिगत बिक्री का जो हमारा एजेंट है वो हमारे उपभोक्ताओं से बात करता है और उपभोक्ता की बात को सुनता भी है उपभोक्ता अपनी अपना विचार विमर्श रखता है और जो हमारा एजेंट है सेल्स फोर्स एजेंट है वो अपनी बात रखता है दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो सेल्स फोर्स एजेंट है वो उपभोक्ता के मन में एक सही इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है इस वार्तालाप के दौरान इसमें प्रस्तुति और अनुनय शामिल है इसके दौरान ये भी हमारा जो सेल्स फोर्स एजेंट है वो पूरी कोशिश करता है कि वो बेहतर तरीके से उसमें प्रेजेंटेशन दे हो सकता है कि वो कुछ अपने उत, जो हमारा उत्पाद है उसका गुणवत्ता को दिखाने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन या डिमॉन्सट्रेशन दे जिससे कि हमारा उपभोक्ता है और भी ज़्यादा उसकी ओर आकर्षित हो जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे एडवर्टीज़मेंट देखते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि ये इस उत्पाद का आप किस तरीके से उपयोग करेंगे इस उत्पाद से आपको क्या क्या मुनाफे हो हो सकते हैं क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये सारी चीज़ें विज्ञापन के जरिए या फिर पर्सनल सेलिंग के जरिए लोग उसे प्रलक्षित करने की कोशिश करते हैं जब हम व्यक्तिगत सेलिंग करते हैं या व्यक्तिगत बिक्री करते हैं तो हम डोर टू डोर सेलिंग भी करते हैं हम अपना उत्पाद अपने साथ लेके जाते हैं और उसके फंक्शंस को हम अपने उपभोक्ता को दिखाने की कोशिश करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है ये एक लचीला उपकरण है बहुत जाहिर सी बात है कि इसमें हम हमारा जैसे उपभोक्ता बदलता है या जिसको हम टारगेट उपभोक्ता या लक्षित उपभोक्ता कहते हैं वो बदलता है हमारा प्रचार करने का तरीका बदल जाता है पर्सनल सेलिंग उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करती है कि किस तरीके की विचारधारा का हमारा उपभोक्ता है क्योंकि उसे पहले की कुछ बातों में वार्तालापों के दौरान हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारा उपभोक्ता की मानसिकता कैसी है उसका व्यवहार कैसा है और उसके हिसाब से हम अपनी सेलिंग को एडजस्ट करते हैं तो ये बहुत एक ही लचीला उपकरण है जैसा हमारा उपभोक्ता है जो हमारा उपभोक्ता सुनना चाहता है जो हमारा उपभोक्ता देखना चाहता है जो उसी को वही चीज़ उसी तरीके से दिखाई जाएगी विज्ञापन के दौरान ऐसा नहीं होता वो एक तरीके का फिक्स पैटर्न है जो आपने एक बार बना दिया वही आप विज्ञापन के ज़रिए प्रचारित और प्रसारित करते हैं मगर जब व्यक्तिगत बिक्री की बात आती है तो व्यक्तिगत बिक्री में आप अपने उपभोक्ता के हिसाब से अपने पैटर्न को चेंज कर सकते हैं अगर हमारा उपभोक्ता हमारे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में सुनना चाहता है तो हम उसे उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में ही बताते हैं यह एक रचनात्मक उपकरण है क्योंकि इसमें आप अपने उपभोक्ता के हिसाब से अपने बोलने का तरीका एडजस्ट करते हैं आप अपने सामान दिखाने के तरीके को एडजस्ट करते हैं आप ये भी एडजस्ट करते हैं कि कौन सी गुणवत्ता पे मुझे विशेष ध्यान देना है या कौन सी गुणवत्ता पे मुझे एम्फेसाइज करना है सबसे ज़्यादा जोर देना है अपने उपभोक्ता से बात करते समय तो ये बहुत ही रचनात्मक उपकरण है उपभोक्ता के जैसे जैसे उपभोक्ता बदलता जाएगा आपका अपना बिक्री करने का तरीका भी बदलता जाएगा दीर्घकालिक संबंध का विकास इससे आप अपने उपभोक्ता के साथ में एक अच्छे संबंध भी बना सकते हैं जो कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं अगर आपको कोई सेल्स का टारगेट मिलता है और व्यक्तिगत बिक्री में आप हैं तो आप अपने पुराने उपभोक्ताओं को दोबारा से चुन सकते हैं उनसे दोबारा वार्तालाप कर सकते हैं और जान सकते हैं क्या उन्हें फिर से उन सब चीज़ों की दोबारा ज़रूरत है या नहीं जरूरत है तो दीर्घकालिक संबंध बनाने में भी व्यक्तिगत बिक्री बहुत अहम भूमिका निभाती है अतिरिक्त जानकारी की प्राप्ति अगर उपभोक्ता को कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो पर्सनल सेलिंग के दौरान उपभोक्ता अपने एजेंट से जो सेल्स एजेंट है जो डोर टू डोर सेलिंग कर रहा है उससे आप बात करके उसे और अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं जो कि विज्ञापन में संभव नहीं है मगर व्यक्तिगत बिक्री में ये संभव है आप कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जो कि उसकी स्क्रिप्ट में नहीं है या कहीं और नहीं लिखा है तो वो आप अतिरिक्त जानकारी भी अपने सेल्स एजेंट से या व्यक्तिगत बिक्री के दौरान ले सकते हैं ये तो आप उपभोक्ता की तरफ से साथ के साथ जो हमारा सेल्स एजेंट है जो सेल्स फोर्स है वो भी अपने उपभोक्ता से जो उसका पोटेंशियल उपभोक्ता है हो सकता है कि कल को वो सामान खरीदे तो उससे भी वो जानकारी ले सकता है कि उसकी मानसिकता कैसी है उसे ये उत्पाद समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है उसके दिमाग में और कौन से कौन कौन से प्रतिस्पर्धी का सामान चल रहा है तो ये जो कंटेंट आपको मिलता है अपने उपभोक्ता के बारे में ये आपको मदद करता है आगे की शोध करने में और अनुसंधान करने में और अपने प्रोडक्ट को नए तरीके से नया रूप देने में क्योंकि आपको पता चल जाता है कि उपभोक्ता की क्या मानसिकता है और किस तरीके का उत्पादन की ओर वो आकर्षित है तो अतिरिक्त जानकारी भी हमें अतिरिक्त जानकारी भी हमें मिलती है अपने उपभोक्ता के बारे में प्रश्नों के बहुत सारे जो हम प्रश्न हैं उनके उत्तर हैं उनके समाधान हैं वो भी हमें बहुत हद तक मिल पाते हैं हम अपने उपभोक्ता से कुछ प्रश्नावली कर सकते हैं उनसे उनके जवाब ले सकते हैं हमारा उपभोक्ता भी हमारे सेल्स एजेंट से कुछ ना कुछ प्रश्नावली बना के वो पूछ सकता है और उनके जवाब ले सकता है और एक अपनी पॉजिटिव इमेज अपने दिमाग में बना सकता है ग्राहक को विश्वास बनता है अगर वो सामने से देखता है अपनी चीज़ों को होते हुए जब वो देखता है कि वो मशीन इस तरीके से चलती है या ये उपकरण इस तरीके से चलाया जाता है इससे ये फायदे होते हैं वो अपनी आँखों के सामने वो चीज़ों को होता हुआ देखता है तो उसका विश्वास बनता है और वो सामान खरीदने के लिए एक बार को तैयार भी हो जाता है कंपनी की साख छवि सुधारने में व्यक्तिगत बिक्री बहुत हद तक मदद करती है और इसमें एक सेवा का तत्व भी है क्योंकि आपका जो उपभोक्ता है वो अपने सामने से सामने सारे सवाल करता है और अगर उसे इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है या आफ्टर सेल की बात कोई सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है तो वो उस एजेंट को दोबारा से कॉन्टैक्ट कर सकता है उसका नंबर ले, ले लेता है और उसमें जो सेवा का तत्व है उससे भी उपभोक्ता को बड़ा लाभ मिलता है और साथ के साथ कंपनियों को भी लाभ मिलता है क्योंकि उसका उपभोक्ता उसकी और इन कारणों की वजह से आकर्षित होता है इसके बाद आते हैं कंपनी के लिए व्यक्तिगत बिक्री का क्या महत्व है प्रभावी प्रचार उपकरण है ये बहुत आसानी ये हमारे लिए एक बहुत एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत बिक्री बहुत गहरी छाप छोड़ के जाता है उपभोक्ता के दिमाग में क्योंकि वो व्यक्ति उसके साथ कम से कम तीन या चार मिनट तो रहता है और जब वो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो एक छाप छूट के जाती है उपभोक्ता के मन में और जो कि कंपनियां पूरी कोशिश करती हैं जो व्यक्तिगत बिक्री कर रहे हैं वो हमारे ट्रेंड आ, सेल्स एजेंट फोर्सेज हो कहीं ऐसा ना हो कि गलत व्यक्ति गलत गलत व्यक्ति सही जगह पहुँच जाए और हमारी सारी सारी इमेज ख़राब कर दे ये एक लचीला उपकरण है जो कि कंपनियां अपने उपभोक्ता के हिसाब से अपने तरीके को बदलती रहती है स्टाइल को चेंज करती रहती है अपने सेल्स एजेंट को ट्रेन करती रहती है और जिस तरीके से उपभोक्ता बदलता है या फिर उसकी उम्र बदलती है या फिर उसका व्यवसाय बदलता है उस हिसाब से आपका बात करने का और उसको अट्रैक्ट करने का तरीका भी बदल जाता है प्रयासों की बर्बादी को कम करता है ये बहुत हद तक कोशिश करता है कि आप जिस भी उपभोक्ता से मिलें उसको तुरंत संतुष्टि पर लाकर वहाँ पर अपनी बिक्री को सुनिश्चित करें तो पर्सनल एजेंट्स जितने भी हैं या फिर हम कहें कि जो व्यक्तिगत बिक्री कर रहे हैं उन लोगों का उनके मन में जो मानसिकता रहती है वो ये रहती है कि जिस भी उपभोक्ता के पास हम जाएं उससे हम बिक्री करवा कर ही उसके घर से बाहर जाएंगे तो बहुत हद तक हमारी जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है एडवर्टाइजमेंट करने में उसमें जो पैसा बर्बाद हो रहा है या लागत लग रही है उसे कम से कम करने की कोशिश व्यक्तिगत बिक्री करती है ग्राहक का ध्यान पूरा का पूरा आपकी ओर केंद्रित होता है क्योंकि आप इसमें उपभोक्ता के सामने खड़े हैं उपभोक्ता के सामने आप मशीन का डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन करके दिखा रहे हैं तो पूरा का पूरा ध्यान आपके उपभोक्ता का आपकी ओर केंद्रित होता है ऐसा नहीं है कि विज्ञापन हो या होर्डिंग बैनर हो आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं उस दौरान वो निकल गया हो सकता है आपने उस पर ध्यान ना दिया हो मगर जब व्यक्तिगत बिक्री होती है तब उपभोक्ता का पूरा का पूरा ध्यान आपकी ओर केंद्रित होता है एक स्थायी रिश्ता बनाने में कंपनियों के लिए बहुत फायदा हो जाता है उपभोक्ताओं की पूरी नाम उनके लिस्ट उनके उनका एड्रेस आपके सेल्स एजेंट फोर्स के द्वारा कंपनी तक पहुंच जाता है जिसको कंपनियां बाद में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए ने प्रयोग में ला सकती हैं उनको तरी तरीके के के ग्रीटिंग्स देकर के कंपनियां हमेशा ये बताती रहती हैं कि हम अभी भी हैं हमारा उत्पाद अभी भी आपकी गुणवत्ता के हिसाब से चल रहा है तो इस तरीके का विज्ञापन करके या इस तरीके की कोई ग्रीटिंग देकर के उपभोक्ता के मन में वो अपने लिए एक विशेष स्थान स्थापित कर सकते हैं व्यक्तिगत संबंध बनाए जा सकते हैं जिस तरीके मैंने आपको बताया जब आपके पास में आपकी उपभोक्ता की पूरा डिटेल आ जाती है कि उनका नाम क्या है उनका पता क्या है उनका जन्म जन्म दिवस कब का है उनकी उनकी शादी की सालगिरह कब की है उनके बच्चों का जन्म दिवस कब का है तो ये सारी डिटेल जब कंपनी के पास पहुंच जाती है तो समय समय पर वो उनको ग्रीटिंग प्रोवाइड करके या ग्रीटिंग्स दे देकर उनके साथ में पर्सनल रिलेशन व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उपभोक्ता को भी बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी हमारे लिए ग्रीटिंग सेंड कर रही है न्यू ईयर का ग्रीटिंग भी सेंड किया जा सकता है ओकेजन्स पर भी डिफरेंट डिफरेंट ओकेज स्विमिंग कंपनियां ग्रीटिंग सेंड करती हैं परिचय चरण में ये बहुत अहम भूमिका निभाता है व्यक्तिगत बिक्री जब आपका उत्पाद का परिचय चरण है जैसे कि हमने पिछले व्याख्यानों में जानने की कोशिश करी थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में चार चरण होते हैं सबसे पहला चरण होता है परिचय का फिर उसके बाद आता है ग्रोथ स्टेज फिर आता है परिपक्ता फिर उसके बाद आता है डिक्लाइन तो जब आपका उत्पाद परिचय के चरण में है आपने अभी अभी बाज़ार में उसे लॉन्च किया है उस दौरान आपका उपभोक्ता आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और आप चाहते हैं कि उपभोक्ता आपके बारे में जाने उसकी गुणवत्ता की अच्छे से उसे परख हो समझ हो प्रतिस्पर्धी की अपेक्षा वो आपकी ओर आकर्षित हो आप ही के उत्पाद का चयन करें तो आप इस तरीके की सेलिंग का उपयोग कर सकते हैं और आप उनके दिमाग में गहरी छाप छोड़ सकते हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं इसके बाद समझते हैं कि ग्राहक को व्यक्तिगत बिक्री से क्या फायदा मिलता है हमने कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से समझा कि कंपनी को क्या फायदा मिलता है व्यक्तिगत बिक्री से आइए अब समझते हैं कि ग्राहक को क्या फायदा मिलता है व्यक्तिगत बिक्री से उनकी जागरूकता की पहचान करने में उन्हें मदद मिलती है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हम नज़रअंदाज कर देते हैं अगर इंटरनेट पे है सोशल मीडिया पे होर्डिंग बैनर पर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती जा रही होती हैं तो हम उन पर इतना ध्यान नहीं फरमाते हैं जब हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है और किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करता है तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं इससे हमारी जानकारी बढ़ती है नवीनतम बाज़ार की सूचना हमें मिलती है हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है हम ये जानते हैं कि किस तरीके के उपकरण बाजार में आ रहे हैं उनसे हम हम अवगत हो जाते हैं विस्तृत प्रदर्शन हम पूरी तरीके से उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखते हैं हम अपने हाथ से करके देखते हैं जो सेल्स एजेंट है वो जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है फिर हम अपने आप अपने हाथ से चला देखते हैं देखते हैं कि मशीन सही काम कर रही है या नहीं कर रही है तो उससे हमें पूरी संतुष्टि मिल जाती है हम पूरे पुख्ता होकर के कि हाँ ये मशीन सही है इसे मैं चला सकता हूँ इसे मैं उपयोग कर सकता हूँ उसके बाद ही आप निर्णय लेते हैं कि मुझे ये सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है अनुभवी सलाह भी आपको मिल जाती है क्योंकि जो सेल्स एजेंट हैं जो सेल्स फोर्स हैं वो उस कंपनी में कई सालों से काम कर रहे हैं उनके पास अनुभव है उनके पास में एक्सपीरियंस है और भी बहुत सारे लोगों से मिलकर आपके पास तक पहुँचा है तो आप उससे सलाह भी ले सकते हैं कि ये, मेरी इस तरीके की जरूरत है उसके लिए क्या ये उपकरण या ये मशीन मेरे लिए लाभदायी होगी या नहीं होगी तो आपको एक अनुभवी सलाह भी मिल जाती है ग्राहकों को प्रेरित करता है बहुत ज़रूरी बात है कि व्यक्तिगत बिक्री का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है या फिर जो पूरा का पूरा दामोदर है वो एक चीज़ पर निर्भर करता है कि हम अपने ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करें तो ग्राहक को भी लगता है कि मेरे घर बैठे मुझे सामान मिल रहा है तो उसे उसे और से ज़्यादा उसे, उसे, उसे फ़ायदा की चीज़ नहीं लगती है तो ग्राहक भी उसकी ओर प्रेरित होता है क्योंकि उसे समुचित जानकारी मिल चुकी होती है उसने उसे डिमॉन्स्ट्रेट करके देख लिया होता है उसको सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल है तो ग्राहक भी उसकी ओर प्रेरित होता है और उसे लगता है कि जब घर बैठे सामान मिल सकता है तो क्यों ना उसे खरीदा जाए समाज के लिए हम जानते हैं कि समाज के लिए क्या फ़ायदा रहता है व्यक्तिगत बिक्री का उसके महत्व को समझते हैं समाज में जो हमारे अज्ञानता फैली हुई है बहुत सारे उपकरणों को लेकर के कि इनसे ये हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं रेडिएशंस निकलते हैं ये इसे नुकसान होता है पर्यावरण को वातावरण को तो हमें जानकारी मिलती है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वातावरण दूषित हो रहा है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है हमें ज्ञान हमें ज्ञान मिलता है हमारी अज्ञानता दूर होती है समाज की सहायता करी जाती है क्योंकि समाज से ही सेल्स फोर्स एजेंट नियुक्त किए जा रहे हैं समाज के ही लोग हैं जिन्हें नौकरी मिल रही है उन्हें रोजगार मिल रहा है तो समाज को कहीं ना कहीं इस तरीके की असिस्टेंस मिलता है रोजगार दे करके हम उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे इंप्रूव करते हैं उनकी परचेजिंग पावर को इंप्रूव करते हैं साथ के साथ समाज को एक नया उपकरण भी मिलता है नई नही नई सेवाएं मिलती हैं जो कि समाज को अदरवाइज बाहर जाकर खरीदना पड़ता है या फिर पैसा लगाना पड़ता है या फिर उनको जानकारी ही नहीं होती जिसके लिए वो मांग भी कर पाते तो व्यक्तिगत बिक्री के कारण उनके घर बैठे उन्हें सारे चीजों को पहुँचाया जा रहा है उनकी जरूरत की चीजें उनके घर तक पहुँच रही हैं उसका वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं उपकरण को चलाया किस तरीके से जा रहा है ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं तो समाज का एक तरीके से कल्याण हो रहा है दूसरा जैसे कि रोजगार में वृद्धि हो रही है रोजगार बढ़ रहा है लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं साथ के साथ बिक्री लोगों को गतिशील बनाती है बिक्री से लोगों को जो हमारी मोबिलिटी ऑफ द सेल्स पीपल जो हमारे जो बिक्री करने वाले लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम अपने क्षेत्र का विकास भी कर सकते हैं हम सिर्फ एक छोटे क्षेत्र तक ही अपने आप को समुचित नहीं रख सकते हम अपने क्षेत्र का को भी और भी ज़्यादा व्यापक कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो व्यक्तिगत बिक्री करने वाला सेल्स फोर्स एजेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से मूव कर सकता है और वो वहाँ के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है आइए समझते हैं कि एक अच्छे सेल्समैन में क्या क्या लक्षण होने चाहिए उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए इनको जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहला आता है उसका सामाजिक गुण उसके अंदर क्या क्या होने चाहिए क्योंकि ये एक व्यक्तिगत डिग्री है इसमें सामाजिक गुण होना बहुत ज़रूरी है एक आप समाज के लोगों से मिलने जा रहे हैं कई बार आपको नेगेटिव रिस्पांस भी मिल सकता है अपने पोटेंशियल कंज्यूमर से तो आपको उसे हताश या निराश नहीं होना चाहिए या फिर उसे आपको कोई अपशब्द नहीं बोलने चाहिए या फिर आपको उससे कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए ये आपका ये आपकी नौकरी है ये आपकी नौकरी का हिस्सा है ये मान के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए तो सबसे पहला जो सामाजिक गुण है वो है मिलनसार होने का आपको एक आप आप बहुत मिलनसार होना चाहिए आपके अंदर आपका जो व्यक्तित्व है वो इस तरीके का होना चाहिए कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों आपसे बात करना चाहें अगर आपका व्यक्तित्व में ऐसा नजर आएगा कि बहुत एटीट्यूड है बहुत एरोगेंट है तो शायद आपसे लोग बात ना करना चाहें शायद वो आपसे इतना खुल के अपने विचार विमर्श ना कर पाएं शायद वो खुलकर आपसे सवाल ना कर पाए तो आपका आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही मिलनसार होना चाहिए जो कि लोगों को आकर्षित करे आपकी ओर और आपसे बात करने के लिए लोग इच्छुक हों साथ ही आपके अंदर शिष्टाचार होना चाहिए आप व्यवहारिक होने चाहिए आपको दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए और साथ के साथ अगर सामने वाला आपसे ढंग से, से शिष्टाचार का नहीं उपयोग कर रहा है तो आपको उससे क्षमा मांग कर वहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए कोऑपरेटिव अगर कोई व्यक्ति काम कर कोई मशीन चला के देखना चाहता है तो आपको उसके साथ में कोऑपरेट करना चाहिए उसे समझाना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से एकदम जीरो लेवल पर जाकर ताकि आपका जो उपभोक्ता है जो पोटेंशियल उपभोक्ता है वो समझ पाए कि इस मशीन को किस तरीके से संचालित किया जाता है तो इस तरीके से सेकारी होना चाहिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए जब आप अपने उपभोक्ता से बात कर रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेगा जो आपको लगेगा कि बड़े दकियानूसी या बेकार के सवाल हैं ये भी कोई पूछे जाते हैं मगर आपको पूरा धैर्य रखना चाहिए उनके छोटे से छोटे सवाल का भी आपको बहुत विनम्रता के साथ में जवाब देना चाहिए उसके साथ ही आपके अंदर कुछ मानसिक गुण भी होने चाहिए सामाजिक गुण के साथ साथ जैसे कि आप दूसरों को ऑब्जर्व कर सकें आप बै, आप उनके जिस तरीके से उपभोक्ता बैठा है जिस तरीके की वो आपको देख रहा है आपको सुन रहा है या जिस तरीके की गतिविधियाँ वो कर रहा है जब आप बोल रहे हैं जैसे मान लीजिए आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं या डिमॉन्सट्रेशन कर रहे हैं और उपभोक्ता बिज़ी है अपने फ़ोन में वो इधर उधर देख रहा है वो टाइम को देख रहा है घड़ी को देख रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उपभोक्ता आपने ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है तो आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की स्किल्स होनी चाहिए आपको जज करना आना चाहिए कि आपका उपभोक्ता आपकी ओर इंटरेस्टेड भी है या नहीं है। पिछले पांच मिनट से आप उससे बात कर रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है, वो कन्वेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आपकी हो। खुद पे भरोसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज होगी जिस उत्पाद का आप व्यक्तिगत सेलिंग कर रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं तो आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए उस भरोसे को बनाए रखने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा ज्ञान हो उस उत्पाद के बारे में गुणवत्ता के बारे में आपको अपनी प्रतिस्पर्धियों के बारे में पता हो आपको अपनी कंपनी के बारे में पता हो जिस जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उपाय कुशलता आपको पता होना चाहिए कि किस अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो किस तरीके से मुझे उसका जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उनका कैसे बेहतर यूज़ करते हुए समस्या से बाहर निकलना है ये कुशलता भी आपके अंदर होनी चाहिए बोलने का गुण होना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करना है जितना स्पष्ट आपका उच्चारण होगा जितने उचित शब्दावली का आप उपयोग करेंगे उतना उपभोक्ता आपकी ओर आकर्षित होगा तो आपको अपने बोलने के तरीके का भी बहुत सुधारना होगा बोलने के लिए आपको नई शब्दावली का अच्छी शब्दावली का उपयोग करना होगा ताकि उपभोक्ता आपकी ओर सम्मानित तौर से आकर्षित हो साथ ही साथ आपको कुछ भौतिक गुण भी होने चाहिए भौतिक गुण बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये व्यक्तिगत बिक्री है जहाँ पर आपको एक फ़िज़िकली एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं मेंटली तो फिट है मगर फिजिकली फिट नहीं आप है आप कमज़ोर हैं आपकी हेल्थ सही नहीं है तब भी आप चाहे कितनी कोशिश करें विनम्र रहने की आप शायद ना रह पाएंगे इसीलिए फिजिकल स्ट्रेंथ होना भी बहुत ज़रूरी है तभी आप अपने आप अपनी सामाजिक जो गुण हैं जो मानसिक गुण हैं या जो बोलने के गुण हैं उनको प्रलक्षित कर पाएंगे अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो भले ये सारे गुण हो ये आप नहीं दिखा पाएंगे आप जल्दी इरिटेट होंगे चिड़ जाएंगे क्योंकि आप फिजिकली फिट नहीं है तो फिजिकली फिट होना भी सर्वोपरि बन जाता है जहां पर आपका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए अच्छी उपस्थिति होनी चाहिए हर्षित स्वभाव होना चाहिए ये सारी चीजें होंगी तभी आप अपने आप को एक अच्छे सेल्स एजेंट की तरह प्रलक्षित कर पाएंगे और अपने उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे आगे जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं ऐसी कौन कौन सी बिक्री के स्थितियां हो सकती हैं जहां पर आप अपनी बिक्री को कर सकते हैं जैसे कि सेवा बेचने की स्थिति ये वो स्थिति है जहां पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपका उपभोक्ता आपके बारे में जानता है सामान को जानता है उसमें चाचा परखा हुआ है आपको बस उसके पास पहुँचाना है और बेचना है आपसे आपको बस वो सामान वो उसे पूरा का पूरा ज्ञान है आपके उपभोक्ता को पहले से पता है कि ये उत्पाद किस चीज़ के लिए है इससे क्या मेरी नीड सेटिस्फाई होती है मेरी कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है उपभोक्ता को पहले से ज्ञान है तो आपको बस उसके डोर तक वो सामान लेके जाना है और बिक्री को अंजाम देना है उससे पैसा लेना है दूसरा आता है विकासात्मक बिक्री का स्थिति यानी कि डेवलपमेंटल सेलिंग सिचुएशन विकासात्मक में क्या रहता है कि आप उसका आप उसकी डेवलपमेंट करते हैं यानी कि आप बिक्री को क्रिएट करते हैं आप सेलिंग को क्रिएट करते हैं आप उसके अंदर इच्छा का विकास करते हैं कि हाँ ये सामान खरीदने के लिए वो अपनी इच्छा जताए उसके मन में पहले से कोई धारणा नहीं है यहाँ पर आप उसके अंदर धारणा को बनाने की कोशिश करते हैं अपनी सेलिंग की स्टाइल से अपने सेलिंग की तकनीक के द्वारा आप उसके अंदर वो इच्छा को विकसित करने की कोशिश करते हैं कि उसकी वो जो आपका उपभोक्ता है वो आपकी ओर आकर्षित हो और वो सामान खरीद पाए इसमें जो आपका व्यक्तिगत बिक्री व्यक्तिगत बिक्री के दौरान जो सेल्स एजेंट लगी है जो सेल्स फोर्स लगी है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसके अंदर उसे विकसित करना पड़ता है अपने उत्पाद को लेकर के सोच को दूसरा तीसरा आता है आपका खुदरा बिक्री की स्थिति खुदरा बिक्री की स्थिति में आप अपने रिटेलर को कन्विंस करते हैं उन्हें बताते हैं कि, कि, कि कितना ये जो उत्पाद है अगर आप अपनी दुकान पर रखेंगे तो हम आपको क्या कमीशन देंगे इससे आपको क्या फ़ायदा होगा हमारे उपभोक्ता के उपभोक्ताओं का कितनी मांग है इस उत्पाद को लेकर के ये सारी चीज़ें जानकारी देकर के आप अपने विक्रेता को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं जो कि आपका खुदरा बिक्री के लिए है उसे आप आकर्षित करेंगे अपनी ओर और कहेंगे कि आप हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा रखें उसे कमीशन के बारे में बताया जाएगा थोक बिक्री की स्थिति में आप उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से आप विक्रेता को अपने संज्ञान में ले सकते हैं किस तरीके से आप उन्हें अपने खेमे में ले सकते हैं और इस सामान की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करवाएंगे तो आपको कितना कमीशन दिया जाएगा इस तरीके की सेलिंग हो सकती है आपका फिर उसके बाद आता है उत्पाद उन्मुख बिक्री की स्थिति जहाँ पर आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर होता है आपकी उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में आप बार बार बोल बोल कर बोल बोल कर अपनी एक विशेष जगह उपभोक्ता के मन में बनाते हैं और उपभोक्ता के साथ साथ अपने विक्रेता और थोक विक्रेता के मन में भी बनाते हैं प्रतियोगिता उन्मुख बिक्री की स्थिति जहाँ पर आप अपने प्रतिस्पर्धियों की अपेक्षा अपने आप को बेहतर दिखाकर एक नई इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने उपभोक्ता के मन में उपभोक्ता व्यवहार उन्मुख बिक्री की स्थिति जहाँ पर आप अपने उपभोक्ता के व्यवहार के पैटर्न को समझ के कब वो खरीदने के लिए ज़्यादा इच्छुक होता है कब वो महंगे से महंगा सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाता है कब वो आ, कब उसकी पीक परचेजिंग पावर होती है तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी होगी जिसमें उपभोक्ता उन्मुख व्यवहार के दौरान आपको उसकी डेमोग्राफिक वेरियम के बारे में भी जानना होगा उसकी उम्र के बारे में जानना होगा उसके आय के बारे में जानना होगा उसके व्यवसाय के बारे में जानना होगा उसके परिवार के बारे में जानना होगा आपको उसकी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में जानना होगा जिसके बल पर आप अपनी व्यक्तिगत बिक्री को और भी सुदृढ़ तरीके से अपने उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं और उसको आकर्षित कर सकते हैं अपने उत्पाद को खरीदने के लिए इसके बाद आता है कि कितने तरीके के विक्रेता होते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कुछ ऐसे विक्रेता हैं जिनका काम है सिर्फ ऑर्डर लेना यानी आदेश लेने का काम है अंदर आदेश लेने वाले वो विक्रेता हैं जहाँ पर उपभोक्ता खुद से पहुँचता है उनकी दुकान पर और वो अपना उसे पता है कि उसे कौन सा सामान खरीदना है वो उसका सामान को वहाँ पर ख़रीदता है और आपसे पेमेंट इनका जो तरीका है वो मांग पूछता है कि, कि किस तरीके से पेमेंट किया जाए वो इनसाइड ऑर्डर टेकर होता है यानी अंदर आदे लेने वाले उपभोक्ता स्वयं से विक्रेता के पास पहुंचते हैं यहां पे विक्रेता या फिर आपका जो व्यक्तिगत बिक्री करने वाला सेल्स एजेंट है वो अपने उपभोक्ता को नहीं बुला रहा है यहां पे उपभोक्ता के दिमाग में पहले से पहले क्लियर पिक्चर है कि उसे क्या सामान खरीदना है दूसरा आता है और आउटसाइड ऑर्डर टेकर बाहर के आदेश लेने वाला वो व्यक्ति है जो कि उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करके लेकर आता है उस विक्रेता तक वो व्यक्तिगत बिक्री करने वाले कई बार स्वयं अपने साथ सामान लेके चलते हैं कई बार वो इस तरीके की इमेज क्रिएट करते हैं डोर टू डोर सेलिंग के जरिए ताकि वो भले ही उस समय नहीं खरीद रहे हैं मगर कल को इसकी डिमांड वो ज़रूर जनरेट करेंगे और विक्रेता के पास मेरा उपभोक्ता ज़रूर पहुँचेगा तो आउटसाइड से के यानी कि बाहर के आदेश लेने वाले ये वो व्यक्तिगत बिक्री है करने वाले सेल्स एजेंट फोर्सेज हैं जो उपभोक्ता के मन में आपके उत्पाद को लेकर के एक विशेष इमेज बनाने की कोशिश करते हैं उसके बाद आते हैं वितरण विक्रेता ये इनका काम ये रहता है, है कि वो अपने उत्पाद को समय समय पर देखते रहें कि वो विक्रेताओं के पास उपलब्ध है या नहीं है उसकी उपलब्धता को चेक करते रहते हैं कहीं हमारा अगर जैसे जैसे हमारी मांग बढ़ रही है जिस तरीके से हम अपना विज्ञापन कर रहे हैं प्रचार प्रसार कर रहे हैं व्यक्तिगत बिक्री कर रहे हैं धीरे 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 हमारे उपभोक्ताओं के दिमाग में हमारे उत्पाद को लेकर एक विशिष्ट इमेज बन तैयार हो रही है और लोग इसकी मांग कर रहे हैं मांग बढ़ रही है तो उनका ये काम रहता है कि हमारा सारा सामान सही जगह पर उपलब्ध है भी या नहीं ऐसा ना हो कि हम विज्ञापन कर रहे हो और सही जगह पर हमारा सामान उपलब्ध ना हो तो उनकी कोशिश रहती है कि उपलब्धता बनाए रखें विक्रेता के पास में थोक विक्रेता के पास में खुदरा विक्रेता के पास में सबके पास हमारी उपलब्धि उपलब्धता बनी रहे हमारे उत्पाद की तो ये वितरण विक्रेता होते हैं उसके बाद आते हैं आदेश निर्माता मिशनरी विक्रेता इनका काम ये रहता है कि हम अपने ऑर्डर को क्रिएट करने का एक इमेज क्रिएट करने का लोगों के मन में दिमाग में कि हम किस कितना अच्छा उत्पादन कर रहे हैं वो सिर्फ़ अपने उत्पादन की गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं लोगों से वो सीधे ही बात नहीं करते कि आप हमारा सामान खरीदिए वो एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उस इमेज इतनी बिल्ड हो जाती है कि उपभोक्ता खुद से आकर्षित हो जाता है उस सामान को ख़रीदने के लिए उसके बाद आता है ऑर्डर गेटर फ्रंट लाइन सेल्स पर्सन जहाँ पर हमारे जो उपभोक्ता हैं उपभोक्ता सीधे सीधे फ्रंट लाइन जो सेल्स पर्सन है उनको कांटेक्ट करते हैं फ़ोन करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं और फिर जानकारी लेने के बाद वो अपना निर्णय बनाते हैं कि हमें ये सामान खरीदना है या नहीं ख़रीदना है इसके बाद आते हैं हमारे सेल्स पर्सन का समर्थन करने के बल पर यानी कि टेक्निकल सहायता Osionfish. एक विक्रेता कुछ ऐसे विक्रेता होंगे जो आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे आप उनसे पूछेंगे कि इस मशीन को किस तरीके से चलाया जाता है इसका किस तरीके से इसे बेहतर तरीके से यूज़ किया जाता है टेक्निकल सपोर्ट देने वाले विक्रेता होंगे कुछ ऐसे हमारे व्यक्तिगत बिक्री करने वाले लोग होंगे जो व्यापारियों की मदद कर रहे होंगे उद्योगपतियों की मदद कर रहे होंगे या फिर खुदरा विक्रेता की मदद कर रहे होंगे या फिर वो जो थोक विक्रेता है उनकी मदद कर रहे होंगे वो हमारे हमारे आते हैं सेल्स पर्सन के समर्थन में उसके बाद व्यापार विक्रेता की मदद करना या फिर सेवा विक्रेता की मदद करना ये सारी चीज़ें हमारे विभिन्न प्रकार के विक्रेता को बताता है दर्शाता है और ये बताता है कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग परिस्थिति में हमें अलग अलग रूप धारण करना होगा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये है कि हमारा उपभोक्ता हमारी ओर आकर्षित हो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हमारी ब्रांड की एक पॉजिटिव इमेज बन के सामने आए उपभोक्ता भले ही आज हमारा सामान ना खरीदे बट उसके मन में हमारे को लेकर एक अच्छी धारणा बने और वो हमारे प्रतिस्पर्धी की अपेक्षा हमारे हमारे उत्पादन को लेकर के ज़्यादा सचेत हो और उसके लिए सक्रिय हो और वो लोगों से भी बात करें हमारे उत्पादन को लेकर के और जब उसको ज़रूरत हो तो वो सबसे पहले हमारे उत्पादन को खरीदे आइए अब जानते हैं बेचने की क्या प्रक्रिया है किस तरीके से सामान को बेचा जा सकता है क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें लेना चाहिए अपने सामान को बेचते समय सबसे पहला आता है स्टेप संभावनाओं की पहचान और उसकी योग्यता को समझना पूर्व दृष्टिकोण को समझना दृष्टिकोण क्या है प्रस्तुति प्रदर्शन क्या है आपत्ति प्रबंधन क्या है बिक्री बंद कब होगी बिक्री के बाद की सेवा या अनुवृत्ति को क्या कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम समझते हैं एक एक करके सबसे पहले शुरुआत करते हैं संभावनाओं की पहचान और उसकी योग्यता हम कैसे समझें कि की, की कस्टमर या हमारा उपभोक्ताओं के मन में कोई कुछ ना कुछ संभावनाएं हैं तो हम अपने संभावित उपभोक्ताओं को कैसे पहचानें उनको कैसे अपनी ओर आकर्षित करें कैसे उनसे पैसा निकलवाएं कैसे फाइनल बिक्री करवा पाए हम उनसे इस इस पर हम आज ध्यान देंगे अब हम समझते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट क्या है यानी संभावित या फिर संभावनाओं को हम कैसे पहचान सकते हैं सबसे पहला आता है कोल्ड कैनवासिंग यानी कि हम कोल्ड कॉलिंग के जरिए भी अपने उपभोक्ताओं के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं या क्रेडिट कार्ड के सेलर हैं जो हमें कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या आपको प्रॉपर्टी चाहिए क्या आपको ये कनेक्शन चाहिए तो इस तरीके से कॉल करके हम समझ पाते हैं हम कोल्ड कॉलिंग करके हम जानने की कोशिश करते हैं क्या हमारे उपभोक्ता के मन में कोई इच्छा है या नहीं है हो सकता है वो इतना व्यस्त हो कि वो बाज़ार में अपनी मांग अपनी मांग को दर्ज ना कर पा रहा हो तो हम खुद से कॉल करके अपने उपभोक्ता के मन में या तो इच्छा को पैदा करने की कोशिश करते हैं इस तरीके के सवाल पूछ करके या फिर हम उसको याद दिलाते हैं कि इस तरीके की आपकी ज़रूरत थी शायद आप उसने आपने उसकी मांग ना की हो आप हमें बताइए हम आपको वो सेवा प्रदान करते हैं आपके घर बैठे तो कोल्ड कॉलिंग के ज़रिए हम उसके मन में इस तरीके की इच्छा को विकसित कर सकते हैं दूसरा संतुष्ट ग्राहक पेश करें यानी कि आप कोशिश कर सकते हैं कि आप इंटरनेट या मीडिया के थ्रू जो आपके सबसे ज़्यादा खुश उपभोक्ता हैं जो बहुत संतुष्ट हैं आपकी सेवाओं से या फिर आपके उत्पादन की गुणवत्ता से उनका एक वीडियो क्लिप बनाया जाए और इंटरनेट के थ्रू उसे वायरल किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को जैसे जैसे मिलेगा उसे देखेंगे सुनेंगे समझेंगे तो उनके अंदर भी मांग हंग जागरूक होगी और वो बाज़ार में आपके उत्पादन की ओर आकर्षित होंगे और इसे खरीदना चाहेंगे टेलीफोन डायरेक्टरी या मेलिंग लिस्ट के जरिए भी आप अपने उपभोक्ताओं को संभावित उपभोक्ताओं के बारे में जान सकते हैं उन्हें कॉल कर सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उनको ज़रूरत है या नहीं है स्पॉटर बहुत सारे हैं हमें मदद करते हैं जो कि बाजार में रहते हैं हम उनसे भी पूछताछ करके पता कर सकते हैं कि किस तरीके का उपभोक्ताओं का व्यवहार है उनका क्या पैटर्न है उनकी इच्छाएँ किस तरफ केंद्रित हैं उसके हिसाब से हम अपने उत्पादन की प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने बिक्री के तरीके को भी सुनिश्चित कर सकते हैं ट्रेड शो एग्जीबिशन व्यापार के शो या फिर प्रदर्शनियों के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि किस तरीके का उत्पादन को लेकर के उपभोक्ता अपनी आकर्षण शो कर रहे हैं जब बहुत सारे एग्जीबिशन जैसे प्रगति मैदान में अगर एग्जीबिशन लगती है तो हम देखते हैं कि लोग किस तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है कौन सी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लोग खरीदना चाह रहे हैं किसकी सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है उससे भी हमें अंदाज़ा लग जाता है कि उपभोक्ता के व्यवहार का पैटर्न क्या है नॉन कम्पीटिंग सेल्स फोर्स ऐसे बहुत सारे उत्पादन हैं जो बाज़ार में है जिनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है उन उस कंपनियों के जो सेल्स फोर्स एजेंट हैं उनसे हम बात करके पता लगा सकते हैं जैसे कि मान लीजिए हम प्रिंटर बनाने वाली कंपनी और एक इंक बनाने वाली कंपनी है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं अगर प्रिंटर बिल्कुल नहीं बिकेगा अगर इंक नहीं बिकेगा तो इंक नहीं होगा उसमें तो तो ये इंक बनाने वाली कंपनी प्रिंटर के सेल्स फोर्स से भी पता कर सकती है कि, कि किस तरीके का लोगों को डिमांड है क्या इंक में उन्हें कमी आ रही है किस तरीके इंक की क्वालिटी वो चाहते हैं तो वो कंपनियां वो सारी सारी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कंपनीज को बताती है जिससे कि प्रिंटर की सेल बाज़ार में बढ़े तो गैर प्रतिस्पर्धी बल से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है उपभोक्ता की इच्छाओं के बारे में उनकी जानकारी के बारे में उनकी उन वो किस तरीके की चीज़ों की क्वालिटी की अपेक्षा एक एक उद्योगपति से करते हैं ये हमें पता लग जाता है बर्ड डॉग मैथड बर्ड डॉग मैथड ये आता है जो तो 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 हमारे घर पर कुछ लोग हैं जो एक एक कुछ अंतराल के बाद बार बार आते हैं जैसे कि दूध देने वाला व्यक्ति है अखबार देने वाला व्यक्ति है या फिर इलेक्ट्रिक मीटर चेक करने वाला व्यक्ति है वाटर मीटर चेक करने वाला व्यक्ति है ये हमारे घर पर बहुत आता है रेगुलर एक इंटरवल के बाद आता है जैसे दूध देने वाला व्यक्ति हर रोज़ आएगा रोज़ सवेरे आएगा न्यूज़पेपर देने वाला हर रोज़ सवेरे आएगा मीटर चेक करने वाला व्यक्ति एक महीने में एक बार आएगा तो ये भी हमारे ये भी हमारे एक सूचना के केंद्र बन सकते हैं जिनसे हम सूचना ले सकते हैं उपभोक्ता के बारे में जानकारी ले सकते हैं अपने उपभोक्ता के बारे में और एक संभावना को पहचान सकते हैं कि हां इसके अंदर इस तरीके की जरूरत है या नहीं है उसके बाद आता है क्वालिफाइंग प्रॉस्पेक्ट जब हमने संभावनाएँ समझ लीं अपने उपभोक्ता की कि हाँ इसके अंदर कुछ संभावना है उसके साथ साथ हमें देखना यह भी होगा कि इसके अंदर क्या खरीदने की क्षमता भी है या नहीं है यानी इसके पास पैसा है जिससे जिसके बल पर वो खरीद सके अगर इसके पास पैसा है तो क्या इसके पास अधिकार है ये निर्णय लेने का कि मैं ये सामान खरीद सकता हूँ या नहीं क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं तो ये तीन चीज़ें अहम बन जाती हैं धन अधिकार और ज़रूरत इनके बल पर हम चेक कर लेते हैं कि योग्यता की कितनी संभावना है आगे समझते हैं कि पूर्व दृष्टिकोण क्या होता है पूर्व दृष्टिकोण में सूचना के क्या सोत्र है सबसे पहले स्थाई सेल्समैन जो हमारे वहाँ उस जगह की जो सेल्समैन हैं उनसे हम जानकारी ले सकते हैं यानी कि जब हमने संभावना को समझ लिया हमने समझ लिया हमारा जो उपभोक्ता है उसमें कुछ संभावनाएं हैं उसके अंदर कुछ योग्यता भी हैं जिसके बल पर हम उसको कन्विंस अगर करते हैं तो हम अपना सामान उसे बेच सकते हैं सीधे व्यक्तिगत बिक्री शुरू करने से पहले हमें कुछ पहले का काम भी करना होगा पूर्व दृष्टिकोण यानी प्री अप्रोच भी बनानी होगी जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे साथ सेल्समैन हैं उन्होंने भी तो ऐसी मार्केट को कभी कैच किया होगा या उस मार्केट को केटर करने की कोशिश करी होगी उन उपभोक्ताओं को कैच करने की कोशिश करी होगी उनके अंदर संतुष्टि या फिर उनके अंदर मांग बढ़ाने की कोशिश करी होगी तो उनका क्या रिस्पॉन्स है तो हम अपने फेलो सेल्समैन यानी जो हमारे साथ ही कर्मचारी हैं जो इस तरीके का सेल्स का काम करते हैं उनका क्या विचार है उनकी क्या राय है इस तरीके के बाजार को लेकर के या इस तरीके के जो उपभोक्ता हैं संभावित तो उपभोक्ता हैं उनको उनको लेकर के उनकी उनकी राय उनका एक्सपीरियंस जो उनका अनुभव होगा वो भी बहुत तक बहुत हद तक हमें मदद करेगा अपनी रणनीति को तय करने में हम ग्राहकों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है बाजार का सर्वेक्षण कर सकते हैं हम बाज़ार में जाकर के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं खुद जा पूरे के पूरे बाज़ार में मॉल में जाकर आप बैठ जाइए और देखिए कि उपभोक्ता किस तरीके का व्यवहार कर रहा है किस तरीके से वो चीज़ों को देखता है पढ़ता है कब ख़रीदने का वो निर्णय लेता है तो बाज़ार में जा के आप या तो प्रश्नावली लेके जाइए अपने उपभोक्ताओं से पूछिए या फिर आप खुद चुप चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाइए और सिर्फ ऑब्ज़र्व करिए और जज करने की कोशिश करिए कि आपका उपभोक्ता किस तरीके का व्यवहार कर रहा है आप जो आपकी कंपनी के डीलर हैं उनके साथ बात करके वो वो जो आप वहाँ पर उपभोक्ता से फ़ीडबैक भरवाते हैं उस फीडबैक को भी लेकर के आप बहुत हद तक ये निर्णय ले सकते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए व्यक्तिगत बिक्री की साथ ही साथ आप डेटा सर्फिंग कर सकते हैं गूगल पर सर्च इंजन पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका उपभोक्ता किस तरीके का व्यवहार रखता है उसका क्या पैटर्न है उसकी परचेजिंग पावर क्या है उसकी फ्रीकवेंसी ऑफ बाय क्या है इन सारी चीज़ों का आप एक क्लिक पर डेटा सर्च कर सकते हैं उसके बाद आप बनाते हैं अपना दृष्टिकोण जब पूर्व दृष्टिकोण के बाद आपका दृष्टिकोण तय होता है दृष्टिकोण के क्या क्या तरीके हैं इंट्रोडक्टरी अप्रोच यानी परिचयात्मक अप्रोच सबसे पहले आप अपने उत्पाद के बारे में परिचय देते हैं कि इस उत्पाद से क्या क्या जरूरतें पूरी होती हैं इस उत्पाद को बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया हम कैसे पर्यावरण को लेकर के सचेत हम कैसे समाज के कल्याण को लेकर के सचेत इस तरीके का इंट्रोडक्शन हम अपने उपभोक्ता को देते हैं उसके बाद आता है रेफरल दृष्टिकोण कई बार आप उपभोक्ता से मिलते हैं और कहते हैं कि आपका जो दोस्त है आपका जो साथी है उसने हमें आपके में बताया था वो भी ये सामान का उपयोग कर रहा है उसने आपका नाम लिया है तो इसलिए हमने आपको अप्रोच किया है तो इस तरीके का रेफरल अप्रोच होती है तो मन में उपभोक्ता के मन में एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ मेरे दोस्त ने मेरा रेफरल दिया है तो जरूर मेरा दोस्त यूज कर रहा होगा इस चीज़ को और अगर वो ये कह रहा है कि इसका उपयोग मुझे भी करना चाहिए तो इसमें क्या बुराई है वो सीधे उसका परचेज करने का वो डिसीजन ले, ले लेता है तीसरा आता है आपका लाभ दृष्टिकोण लाभ दृष्टिकोण के दौरान आप उपभोक्ता को ये बताते हैं कि इस उत्पाद का उपयोग करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं और अगर आपको इस उत्पाद का उपयोग करने से आपको ये सारे लाभ होंगे तो उससे आपको कितना फ़ायदा होगा और कितने कम दाम में आपको ये सारी चीज़ें आपके घर पर उपलब्ध कराई जा रही है तो उससे उपभोक्ता आपकी ओर आकर्षित होता है और उस वस्तु के लिए वो मांग को वो दर्ज कराता है साथ ही आप उसे अपने उत्पाद का दृष्टिकोण भी दिखा सकते हैं आप बता सकते हैं कि आपके उत्पाद की क्या गुणवत्ता है आपके ये जो बाकी के सारे प्रतियोगी हैं जो प्रतिद्वंदी हैं बाज़ार में उनकी अपेक्षा आप अपने उत्पाद की गुणवत्ता को दर्शाते हुए अपने उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं आप तारीफ़ करने का तरीका भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है जहाँ पर उपभोक्ता की तारीफ़ की जाती है कि जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें उदाहरण के तौर पर हम देखें कि आप बाज़ार में कपड़े खरीदने जाते हैं तो तुरंत विक्रेता ये बोलता है कि ये रंग आप पर ज़्यादा सूट करेगा यह रंग आप पे अच्छा लगेगा इस तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट करके आपको अपनी ओर आकर्षित करके अपना सामान खरीदवाने के लिए आपको वो बाध्य करता है सो तो तारीफ़ करने का भी एक तरीका है जिसमें सेल्स एजेंट सेल्स फोर्स इस तरीके की कुछ तारीफ़ के शब्दों का प्रयोग करते हैं और उपभोक्ता को कहते हैं कि ये सामान खरीद लीजिए आप पर ज़्यादा अच्छा लगता है मगर इसकी अति नहीं होनी चाहिए नहीं तो उपभोक्ता इरीटेट हो जाता है और चिड़ जाता है और फिर वो उस एजेंट के पास में जाना सही समझता नहीं है तो आपको एक संतुलन बनाते हुए ये तारीफ करने का तरीके का उपयोग करना चाहिए प्रश्न दृष्टिकोण आप उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं उन प्रश्नों में आप दस तरीके के सवाल उनके सामने खड़े कर सकते हैं जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में जाना था लोग कहते हैं कि क्या अगर हम कोलगेट बेच रहे हैं तो सेंसोडाइन के अगर कोलगेट की बात है कि आपके दांतों में झंझनाहट होती है क्या आपको ठंडा पानी लगता है क्या आपको गर्म पानी लगता है इस तरीके की जब वो प्रश्नावली डालते हैं तो उपभोक्ता को लगता है कि हाँ ये सारी समस्या तो मेरे साथ में भी है और उसकी मांग वो तुरंत दर्ज कराता है और सामान खरीदने के लिए प्रेरित हो जाता है उसके बाद आता है भय अप्रोच यानी कि फियर फियर पैदा करना जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं वो अपने उपभोक्ता के दिमाग में डर पैदा करती हैं और लोगों को इतना डरा देती हैं कि लोगों के पास लगता है कि हमारे इंश्योरेंस ख़रीदने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है जैसे गाड़ी खरीदते समय वो आपके दिमाग में भय पैदा कर देंगे अगर गाड़ी आपकी चोरी हो गई तो आपको इतना पैसा वापस मिल जाएगा तो आप गाड़ी के लिए इंश्योरेंस कराते हैं आप अपने घर का इंश्योरेंस करा लेते हैं आप अपनी ज्वेलरी को जो आपने लॉकर में डाला है उसका इंश्योरेंस करा क्योंकि आपके दिमाग में बहुत भय आ जाता है डर पैदा कर देते हैं हम आपके दिमाग में कि आपको हर के हर चीज का इंश्योरेंस कराना पड़ता है तो भय पैदा करके भी हम अपने उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उसे बाध्य कर सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है हमारा सामान खरीदने के अलावा उसके बाद आता है कथन यानी कि स्टेटमेंट दृष्टिकोण कथन दृष्टिकोण जहाँ पर आप अपने तर्क वितर्क से बताते हैं कि कितनी गुणवत्ता है हमारे समान में हमारे प्रतिद्वंदी की अपेक्षा में तो तर्क वितर्क जब आप करते हैं अपने उपभोक्ताओं के साथ में या संभावित जो आपके उपभोक्ता हैं उनके साथ में जब आप तर्क वितर्क करते हैं तो उस तर्क वितर्क में जब आप सबसे ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं और उपभोक्ता को भी लगता है कि हाँ ये एक अच्छी कंपनी है जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं उसके बाद आता है प्रस्तुति प्रदर्शन प्रस्तुति प्रदर्शन अभी हमने समझने की कोशिश करी अपने संभावित तो उपभोक्ताओं के बारे में हम किस तरीके से उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करी हमने पूर्व दृष्टिकोण को देखा फिर दृष्टिकोण को देखा अब हम क्या कर रहे हैं जब हमने पूर्व और दृष्टिकोण को दोनों तरीके के दृष्टिकोण को तय कर लिया अब आते हैं प्रस्तुति प्रदर्शन पर जहाँ पर हम प्रेजेंटेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं उपभोक्ता के सामने अपनी मशीन और उपकरण को चला करके दिखाते हैं उपभोक्ता भी स्वयं उसे चला करके देखता है और पुख्ता करता है कि जिस तरीके के का कथन इन लोगों ने दिया था जिस तरीके का स्टेटमेंट ये दे रहे थे तो ये हकीकत में वैसा ही है कि नहीं है तो बिक्री प्रस्तुति के प्रकार जिसमें हम डिब्बा बंद प्रस्तुति यानी कैंड प्रेजेंटेशन यानी एक संभावित तरीका यानी कि बिल्कुल आपने हाँ पहले से एक तरीका ना रखा है आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे उसके बाद क्या दिखाएंगे उसके बाद क्या दिखाएंगे इस तरीके से आपने अपनी प्रेजेंटेशन पहले से स्ट्रक्चर कर रखी है एक एक स्टेप आपको क्लियर है और उस स्टेप में कोई भी आप वेरिएशन नहीं करते हैं आपने जो सिस्टम बनाया है अपना प्रेजेंटेशन का बिल्कुल वैसा ही आप प्रेजेंटेशन करते हैं उसे बोलते हैं डिब्बाबंद प्रस्तुति यानी कि स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन कैंड प्रेजेंटेशन उसके बाद आता है नियोजित प्रस्तुति नियोजित प्रस्तुति जिसमें आप प्लान करते हैं अलग अलग उपभोक्ताओं की मानसिकता के बल पर आप उसे प्लान करते हैं और प्रेजेंट करते हैं आपके पास अलग अलग सेट ऑफ प्रेजेंटेशन होती हैं अलग अलग उपभोक्ताओं की मानसिकता के बल पर ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन में आता है कि आप आप अपने उपभोक्ताओं को प्रेजेंटेशन के साथ साथ कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी दिखाते हैं जो कि आपके यूज कस्टमर जो आपके उपभोक्ता हैं जो पहले यूज कर चुके हैं आपके उत्पादन को उत्पाद को पहले उपयोग कर चुके हैं और वह संतुष्ट हैं तो उनकी कुछ ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन भी आप उसमें दिखाते हैं जिससे कि उपभोक्ता के मन में और भी ज़्यादा विश्वास आपको लेकर के बढ़ जाता है समस्या समाधान प्रस्तुति जहाँ पर आप कोशिश करते हैं जो भी उपभोक्ता आपसे सवाल कर रहा है उसका सही सोल्यूशन आप अपने उत्पादन के जरिए उनको दे पाएँ जितना जितनी समस्या उपभोक्ता की होगी जितनी समस्या वो आपके सामने प्रलक्षित करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाता है उनको सॉल्यूशन देना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और जितनी कुशलता से आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं उतना ज़्यादा उपभोक्ता आपकी ओर आकर्षित होता है उसके अलावा एक ऑप्शन आता है वेबिनार का जहाँ पर आप सारे सारे जो संभावित तो उपभोक्ता हैं उनको आप इनवाइट करते हैं एक मीटिंग में एक वेबिनार में और उनको सामने आप सारा प्रेजेंटेशन एक साथ देते हैं या तो आप व्यक्तिगत रूप पर जा सकते हैं या फिर आप वेबिनार के थ्रू ऑनलाइन वेबिनार भी हो सकते हैं और फिजिकल वेबिनार भी हो सकते हैं इसके बाद आता है प्रदर्शन के प्रकार जिसमें उपयोग के आ, में प्रदर्शन किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है कि किस तरीके से इस उप इस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है इसके क्या क्या यूज़ हैं इसके विभिन्नताओं के बारे में आप फोकस कर सकते हैं उसके साथ ही आप विशिष्ट विशेषताओं का भी प्रदर्शन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत है जो कि बाकी के प्रतिद्वंदी या जो हमारे बाकी के प्रतिस्पर्धी हैं उनके उत्पादन में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी इसके बाद आता है आप अपनी जो आप जितनी भी आपत्ति आ रही है यानी कि आपका उपभोक्ता बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी कर रहा होगा जब आप प्रदर्शन दे रहे हैं जब आप डिमॉन्सट्रेशन कर रहे हैं तो आप उनकी आपत्ति को नोट डाउन करते चले आप उसे लिखते रहें कि हमारा उपभोक्ता किन किन बातों पर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर रहा है किन किन बातों पर हमारा उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है या उसके मन में अभी भी सवाल बाकी रह गया है हम उसे पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए हैं या उसका पूरा सोल्यूशन नहीं दे पाए हैं तो जब आप उनकी आपत्तियों को लिस्ट आउट कर लेंगे उनकी सारी आपत्तियों को लिख लेंगे तो आप उसका संभावित सॉल्यूशन, यानी संभावित तकनीक भी बता पाएंगे कि किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है जैसे कुछ लोग उपभोक्ता हो सकता है कि मूल्य को लेकर के आपत्ति ही जताएं, वो कहें कि ये बहुत महंगा है अगर महंगा है तो आप उन्हें बताएँ कि इस महंगा होने के पीछे क्या कारण है आप एक एक पैसे का जस्टिफिकेशन उन्हें दें कि हम आपसे क्यों इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं इस पैसे को हम कितने आसान तरीक़ों से आपसे ले सकते हैं ये भी आप बता सकते हैं कि महंगा है मगर आप इन्हें छोटी छोटी ईएमआई के तौर पर भी दे सकते हैं आप अपने उपभोक्ता को बता सकते हैं कि इस मूल्य का जो आप जो पैसा आप चार्ज कर रहे हैं उसको आप कैसे छोटी छोटी ईएमआई में भी दे सकते हैं जिससे कि उपभोक्ता के ऊपर एकदम से पूरा का पूरा भार ना है उसकी पेमेंट का जिसमें हम मूल्य को जस्टिफाई करते समय भुगतान के तरीके को बता सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं पे ऑन डिलीवरी कर सकती है ईएमआई बन सकती है क्रेडिट कार्ड पर आप ले सकते हैं तो भुगतान के तरीकों को आप बता देंगे तो उससे वो आपत्ति जो है वो धीरे धीरे धूमिल होती चली जाएगी और कम होती चली जाएगी आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि हम आपको अगर सेवाओं को लेकर के कुछ आपत्ति है तो आप उन्हें बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से बता सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सेवाएँ हैं जो आप उन्हें निश्चित रूप से देंगे ही देंगे और किस किस समय पर कितने अंतराल में वो सेवाएं आप उन्हें प्रदान करेंगे पहले एक महीने में सेवा दी जाएगी पहले तीन महीने के बाद सेवा दी जाएगी तो आप उन्हें बताएंगे कब कब आप उन्हें सेवाएं देंगे और इस तरीके का आप वारंटी गारंटी का कार्ड भी उनको दे सकते हैं आपत्ति खरीद खरीदने के समय में भी हो सकती है कई बार लोग कहते हैं कि ये सही समय नहीं है मुहूर्त निकालेंगे तब हम इस सामान को खरीदेंगे जैसे गाड़ियों को खरीदने के टाइम के लिए लोग मुहूर्त देखते हैं जब वो कुछ महंगी ज्वेलरी खरीद रहे होते हैं तो वो मुहूर्त देखते हैं ज़मीन खरीदते समय लोग मुहूर्त देखते हैं तो आप उस समय का भी आप उनको पहले से ज्ञान करा सकते हैं कि ये आप अगर समय को लेकर के कुछ लोग आपत्ति दे रहे हैं तो जब वो सही समय आए अमूमन जिस समय पर वो लोग खरीदते हैं जैसे होली दिवाली पर लोगों का खरीदना किस तरीके की चीज़ों को खरीदा जाता है अक्षय तृतीय के समय वो किन चीजों को खरीदते हैं तो उसी समय अपने प्रचार प्रसार को बढ़ाया जाए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है अगर खरीदने समय को लेकर के लोगों के मन में कुछ आपत्ति है तो कुछ ऐसे विशेष वस्तुओं को लेकर के पश्चात पर आप बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं जो कि आफ्टर सेल सर्विसेज के बल पर हो सकते हैं यानी कि आफ्टर सेल सर्विसेज को लेकर क्वालिटी को लेकर बार जब सामान बिक जाता है तो कैसे सब बातें रखी रह जाती हैं आफ्टर सेल सर्विस की कोई आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देते हैं आप तो अगर इस तरीके के कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने आ रहे हैं जिसमें आपकी उपभोक्ता इस तरीके की शिकायत दर्ज कर रहे हैं या फिर उपभोक्ताओं का ऐसा पहला अनुभव रहा है आपके साथ में तो उसको आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा रेक्टिफाई करना पड़ेगा और उन्हें फिर से एश्योर करना होगा कि अगर हमसे पहले ये कोई भूल हुई है तो आने वाले समय में इस तरीके की भूल नहीं होगी और अगर गलती से उपभोक्ता के मन में ऐसी धारणा पैदा हो रही है तो उसको धारणा को भी आपको सुदृढ़ तरीके से दूर करना होगा तो इस तरीके से आप उनकी आपत्तियों को डील कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपने उनकी आपत्तियों को ढंग से हैंडल कर लिया उनकी सारे ऑब्जेक्शंस को आपने सही तरीके से सॉल्यूशन देते हुए उन्हें किया तो बिक्री बंद करने का एक समय सही समय आ जाता है जिसमें आप उनकी क्रिया बंद यानी कि एक्शन क्लोज़ हो सकता है एक्शन क्लोज का अर्थ है जहाँ पर आपको पेमेंट आपको मिल जाती है और उपभोक्ता आपका सामान लेकर चला जाता है लाभ बंद करें यानी कि आप उन्हें इंश्योर करें कि आपने सिर्फ पैसा ही नहीं दिया है आपकी जेब से पैसा नहीं गया आपको मुनाफा मिला है आपको फ़ायदा मिला है उपभोक्ता होने के नाते आपने एक मुनाफा आपने एक बेनिफिट हमसे ख़रीदा है जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था कि उत्पाद क्या होता है उत्पाद क्या है एक बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन है यानी कि इसमें आप बहुत सारे मुनाफे लेके जा रहे हैं आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है जो उत्पाद आपने हमसे ख़रीदा है उससे आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी आपकी जो ज़रूरतें हैं वो उससे पूरी होंगी प्रत्यक्ष बंद यानी डायरेक्ट क्लोज़ कई बार क्या होता है व्यक्तिगत सेलिंग के द्वारा व्यक्तिगत बिक्री के द्वारा जो सेल्स फोर्स एजेंट है वो डायरेक्ट क्लोज करता है उसमें कोई विक्रेता या क्रेता बीच में नहीं आता है अर्जेंसी यानी तत्काल बंद करना या तर्जेंसी क्लोज कई बार हम अपने उपभोक्ता के मन में इस तरीके का भय पैदा कर देते हैं कि वो तत्काल खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी करती हैं जो उन्हें तत्काल खरीदने के लिए बाध्य हो जाती है मेडिकल इंश्योरेंस हो गया टर्म प्लान हो गया चाइल्ड प्लान हो गया जिसमें हम बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आपके मन में दिमाग कंपनियां डर पैदा कर देती हैं तो लोग तत्काल खरीदना चाहते हैं जल्द से जल्द उसे खरीदना चाहते हैं क्योंकि उसमें कंपनियां बताती हैं कि खरीदने के तीन साल के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्टिवेट होंगी जो अभी नहीं होंगी तो लोग कोशिश करते हैं जल्द से जल्द जल खरीदने के लिए गिफ्ट क्लोज कर सकते हैं आप उपहार बंद क्लोज कर सकते हैं यानी कि कुछ आप एडिशनल गिफ्ट अपने उपभोक्ता को दे करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करके इस तरीके की क्लोज को बंद कर सकते हैं आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर आप हम आग, अगर आप हमारी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसका दाम तकरीबन पचास लाख से ऊपर है तो हम आपको एक स्कूटी फ्री में देते हैं तो इस तरीके का गिफ्ट आप उसके साथ में उन्हें दे सकते हैं जिससे उपभोक्ता आपकी ओर आकर्षित हो सकता है वैकल्पिक बंद यानी कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शनस आप उन्हें बताते हैं अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते इस लोकेशन पर अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हैं तो ये दूसरा ऑप्शन आपके पास है आप इस तरीके का प्लॉट नहीं खरीदना चाहते हैं तो ये फ्लैट का ऑप्शन हमारे पास में आप वन बी नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपके पास टू बी का ऑप्शन है इस तरीके के आप विकल्प उनके सामने रख सकते हैं जिससे आपका उपभोक्ता आपकी ओर आकर्षित हो और उसे लगे कि सारा का सारा मेरी समस्याओं का समाधान एक ही व्यक्ति के पास है तो उससे वो आपकी ओर आकर्षित होगा नए नए सुझाव देकर आप अपनी समस्याओं को उनकी सॉल्व करके आप अपने उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और ये भी बाध्य कर सकते हैं आपका सामान खरीदने के लिए जितने अच्छे सुझाव आप अपने उपभोक्ता को दे पाएंगे उतना ज़्यादा आकर्षित होगा उपभोक्ता आपकी ओर क्योंकि उपभोक्ता को लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति है जिसपे मैं विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि ये व्यक्ति मुझे सारे मेरी समस्याओं को सुन रहा है समझ रहा है और उससे रिलेटेड मुझे सुझाव भी दे रहा है तो उपभोक्ता का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा और वो अपनी ही खरीद की दर्ज आपके सामने रखेगा बिक्री के बाद सेवा यानी कि अगर आपने अपनी सही तरीके से बिक्री करवा दी है सही तरीके से अगर बिक्री हो गई है तो अब आपको आफ्टर सेल सर्विस अगर आपने पहले प्रॉमिस किया था अपने उपभोक्ता से कि आपने वादा किया है कि आफ़्टर सेल सर्विसेज देंगे तो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज ज़रूर देनी चाहिए और वादा करने के बाद अगर आप मुकर जाते हैं तो उससे आपकी आने वाला जो मार्केट है वो इफ़ेक्ट होता है आपकी ब्रांड की इमेज ख़राब होती है सफ़र होती है तो अगर आपने अपनी बिक्री के बाद की सेवाओं के लिए कुछ भी वायदा किया है अपने उपभोक्ता से तो उसे आपको ज़रूर देना चाहिए जिसमें आता है बिक्री के बाद सेवा की कुछ तकनीकें आती हैं जैसे कि ग्राहकों से जुड़े हुए सवाल कुछ हो सकते हैं आवश्यक सहयोग आप प्रदान कर सकते हैं उत्पाद की प्रतिस्थापन कर सकते हैं बार बार प्रतिक्रिया को आप चेक कर सकते हैं कि अब मेरा उपभोक्ता कैसे रिएक्ट कर रहा है जब उसे यूज़ कर रहा है तो आप उसकी वीडियो क्लिप बना सकते हैं जो कि आप नए उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं वार्षिक रख रखाव के लिए कुछ ना कुछ आपने अगर कुछ ऐसा उपकरण है जिसमें आपको वार्षिक रख रखाव करने के लिए कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो वो भी आप करवा सकते हैं जैसे गाड़ियों के केस में होता है कि इतने हज़ार माइल इतने किलोमीटर चल गई तो गाड़ी की आपकी पहली सर्विस फ्री है दूसरी सर्विस फ्री है फिर तीसरी सर्विस फ्री है तो इस तरीके की अगर आपने सर्विस का कुछ वायदा किया है तो आपको वो उसे ज़रूर देना चाहिए अगर कोई एक्सचेंज की पॉलिसी है मान लीजिए आपका उपकरण जो आपने बेचा था वो अच्छा काम नहीं कर रहा है उपभोक्ता उसे परेशान है तो उसे एक्सचेंज करके तुरंत रिप्लेस करके एक नया उपकरण आपको देना चाहिए आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही होना चाहिए कि हमारा उपभोक्ता किसी भी तरीके से हमसे निराश ना हो जो हमने उससे वायदे करे, उसे हमें जरूर पूरा करना चाहिए इसके बाद हमारी कुछ अहम थ्योरीज आती हैं बेचने की जिसमें सबसे पहला आता है ए आई डी एडा सिद्धांत बेचने के सूत्र के सिद्धांत व्यवहार समीकरण सिद्धांत और परिस्थिति के सिद्धांत का सही सेट सबसे पहला जो है हमारा जो सिद्धांत है बेचने का उसमें आ जाता है कि हमें ये जानना है कि हम कौन सी तरीके से अपने उपभोक्ताओं का टेंशन इंटरेस्ट डिज़ायर एक्शन और सेटिस्फैक्शन को ग्रैप कर सकते हैं कैसे हम अपने उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करें ये पूरा का पूरा हमारा सेलिंग पर निर्भर होता है इसके बाद आता है बेचने के सूत्र का सिद्धांत यहाँ पर इस सिद्धांत के आधारित एक आवश्यकता या समस्या को जानने की कोशिश की जाती है और जैसे ही आप अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं ज़रूरतों को समझते हैं उससे रिलेटेड आप सुझाव देने की पूरी कोशिश करते हैं अपने उपभोक्ता को आप जैसे ही अपने उपभोक्ता की कमियों को पहचान जाते हैं या फिर हमारे उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को समझ जाते हैं तो तुरंत आप उसको रिक्वायर्ड सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं बेचने सूत्र सिद्धांत में यानी कि आपका पूरा का पूरा ध्यान किस पे जो सेवा जो उत्पाद मेरी कंपनी बना रही है उसको मैं कैसे बेचू उसे मैं किस तरीके से सही उपभोक्ता तक पहुंचा दूँ इसके बाद आता है व्यवहार समीकरण सिद्धांत व्यवहार समीकरण सिद्धांत कुछ चीज़ों पर आधारित है सबसे पहले कि मेरे उपभोक्ता के अंदर कुछ ना कुछ इच्छा होनी चाहिए उसके अंदर ड्राइव होना चाहिए उसके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे नया सामान खरीदना है मुझे नई नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करना है उसकी मानसिकता इस तरीके की होनी चाहिए कि मुझे नए नए उपकरणों का उपयोग करना है और उससे मेरा समाज में मेरा जो स्टेटस है वो बढ़ता है उसके संकेत को समझने की कोशिश करें जो भी संकेत आपके उप, जो आपका उपभोक्ता है वो किस तरीके के संकेत बाज़ार में दे रहा है उसके संकेत को समझने की कोशिश करिए और उनके संकेत के बल पर आप अपने उत्पादन का जो भी आपका उत्पादन है जो उत्पाद है आपने तैयार किया है उसको विज्ञापित और प्रसारित करने की कोशिश करें और उसकी प्रतिक्रिया को चेक करते रहें कि आपका उपभोक्ता आप आपकी विज्ञापन को लेकर के या फिर व्यक्तिगत बिक्री को लेकर के किस तरीके का व्यवहार प्रलक्षित कर रहा है और आप उसे बार बार रियनफोर्स करें बार बार अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करें अपनी बेहतर विज्ञापन की तरीके को लेकर के तो ये है व्यवहार समीकरण सिद्धांत जहाँ पर आप जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो उपभोक्ता है उसका स्ट्रॉन्ग स्ट्यूमलाई क्या है किसकी वजह से वो ड्राइव होता है किसकी वजह से आपका उपभोक्ता आकर्षित होता है कोई भी सामान खरीदने के लिए वो किस तरीके की प्रतिक्रिया शो करता है जब आप विज्ञापन करते हैं आप व्यक्तिगत बिक्री करते हैं उसका रिस्पॉन्स का रेट क्या है और उस बार बार उसे अगर बात करते हैं बार बार उसके दिमाग में आप जहम में डालते हैं कि इस तरीके का उत्पाद बाजार में अवेलेबल है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है ये आता है हमारा व्यवहार समीकरण सिद्धांत यानी हम अपने उपभोक्ता के व्यवहार को उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं पूरा का पूरा हमारा बिक्री उपभोक्ता के व्यवहार को समझने पर निर्भर होती है इसके बाद आता है परिस्थितियों के सिद्धांत यानी कि हम समझें कि कौन कौन सी ऐसी ही परिस्थितियां हैं जिसमें उपभोक्ता का व्यवहार एकदम बदल जाता है जैसे कि अगर घर में शादी है तो उसका व्यवहार एकदम बदल जाता है वो महंगे सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाता है घर में कोई त्यौहार है तो एकदम उसका व्यवहार बदल जाता है तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं ऐसा कौन कौन सा माहौल है जिसकी वजह से उपभोक्ता का जो व्यवहार है ख़रीद को लेकर के वो बदल जाता है जितनी जानकारी हमें इसकी होगी उसके हिसाब से हम अपना विज्ञापन करेंगे जैसे कि अगर दिवाली के समय उनका व्यवहार बदल जाता है तो दिवाली के दौरान हम अपनी व्यक्तिगत बिक्री को बढ़ाएंगे अगर शादी के दौरान शादी के जो दिन महीने चलते हैं मौसम चलता है उस दौरान उन लोगों का व्यवहार बदल जाता है तो उस समय हम अपने आप को विज्ञापन दिखाएंगे और कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के उनका व्यवहार बदलता है ये भी जानने की बहुत ज़रूरत है तो ये कुछ थ्योरी है जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है अपने व्यक्तिगत बिक्री को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आशा करते हैं आपको आज का विषय समझ में आया होगा आज के विषय में हमने जिन जिन विशेष टॉपिक्स पे अध्ययन किया वो है व्यक्तिगत बेचना एक अच्छे विक्रेता के लक्षण को जाना हमने विक्रय स्थितियों के प्रकार को समझा विक्रेता के प्रकार बेचने की प्रक्रिया और बेचने के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करी आशा करते हैं आपको आज का अध्याय समझ में आया होगा अधिक अध्ययन के लिए आप इन किताबों का चयन कर सकते हैं आज के लिए धन्यवाद